All of you are very welcome to our YouTube channel. Friends, if you are on this channel for the first time, then be sure to subscribe to the channel, and also press the bell icon provided, so that any video uploaded by you to reach friends. If you like our video, then please like the video, which will give us a boost, and we will be able to bring more good videos for you. Friends, if you have any question, please comment and reach us. Welcome to Blind Tech Star World YouTube channel. I am your friend, Abuza. Counting started. 5, 4, 3, 2, 1. Hello viewers, welcome back to Blind Tech Star World. I'm your friend Abuzar. जी हाँ friends, आपने बिल्कुल सही सुना, Blind Tutorials Tech नहीं, Blind Tech Star World. Guys, हमने अपने YouTube चैनल का नेम चेंज कर दिया है, तो चेंज नेम आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा. और फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी. और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों. आज की वीडियो हमारी एंड्रॉइड से रिलेटेड नहीं है, और हमारी आज की वीडियो कंप्यूटर से है. आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित यह पहली वीडियो है, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अच्छा सपोर्ट देंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आप कंप्यूटर्स की वीडियो इस YouTube चैनल पर चाहते हैं और हम कंप्यूटर से संबंधित वीडियो अपलोड्स करेंगे. दोस्तों, अब आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब चैनल के, और फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, जिससे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. और सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको एप्लीकेशन बैंक, जो कि एक ड्राइव का फोल्डर है, तो यहाँ से आप कंप्यूटर्स या एंड्रॉयड से संबंधित एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़फुल एप्लीकेशंस. ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों, आज की वीडियो की बात करते हैं. तो आज की वीडियो कंप्यूटर से है, ये तो आपको पता चल गया, टाइटल भी आपने देख लिया. लेकिन गाइस, आज की वीडियो मैं नहीं लाया, आज की यह कंप्यूटर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर एक गेस्ट लाई हैं. जी हाँ, हमारे चैनल पर एक गेस्ट आई हैं, जिनका नाम रितिका जी हैं. रितिका मैडम आपके लिए ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करेंगी, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी ये वीडियो. दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके अपने सजेशंस दें हमें. कोई भी क्यूरी हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या फिर हमें व्हाट्सएप पर बेझिझक पूछ सकते हैं. ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं. हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे ब्लाइंड टेक स्टार वर्ल्ड पर. ठीक है गाइस, तो गाइस आज मुझे बहुत दिनों से मौका मिला है कि मैं इस चैनल पर वीडियो बनाऊँ. आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन ये वीडियो हैंड्रॉइड वाली नहीं है. ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर हैंड्रॉइड से रिलेटेड वीडियो बने हैं.
आज इस कंप्यूटर का वीडियो इस चैनल पे फर्स्ट है, ठीक है। तो आज हम आपको NVIDIA इंस्टॉल और डाउनलोड का प्रोसेस बताएंगे कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बताना हमें वीडियो का सजेस्ट करना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है गाइस। तो चलिए हम पहले नेट कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको डाउनलोड का प्रोसेस बताएंगे कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, अभी हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए गाइस, आपको हम BHP से डाउनलोड करना बताएंगे आपका NVIDIA और लेटेस्ट NVIDIA मतलब 2020 का और 2 वर्जन बताएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए हमारा नेट कनेक्ट हो गया है, अब गूगल क्रोम ओपन करेंगे। देख गाइस, गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। अब आपको जाना है blindhelp.net, ठीक है। आपकी एक साइट है blindhelp.net, आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि एंटर करना है। देखिए साइट ओपन हो चुकी है आपकी। अब आपको सर्च ऑप्शन पे यहाँ से जाना है, ठीक है। टाइप करेंगे सर्च एडिट ब्लैंक, यहाँ पर सर्च बॉक्स आपके सामने है, तो आपको यहाँ पर लिखना है NVIDIA NVIDIA लिख दिया हमने 2020 और .2, ठीक है। 2020 और ठीक है .2 और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, आपको H प्रेस करना है। H प्रेस करेंगे हम हेडिंग के लिए। ये है, आपको यहाँ पर एंटर करना है। देखिए आपको फिर से H प्रेस करना है, यहाँ पर डाउनलोड बटन आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड कॉलम अब टाइप करेंगे। देखिए पहले NVIDIA है, फिर IBM TTS, यानी कि एलिक्वेंस अगर डाउनलोड करना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है, ये है, ये सारे आपको मिलेंगे यहाँ से, तो आप जो चाहे डाउनलोड कर सकते हैं आपकी मर्जी के अनुसार, आपके अकॉर्डिंग, आपके निर्भर है कि आप कौन सा डाउनलोड करें यहाँ से, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको डाउनलोड का प्रोसेस तो बता दिया है कि NVIDIA आप कैसे डाउनलोड करें BHP साइट से। तो चलिए गाइस, अब मुझे तो नहीं करना क्योंकि मेरे पास तो ये डाउनलोड ऑलरेडी है, डाउनलोड फोल्डर में रखी हुई है इसकी फाइल। तो चलिए गाइस, अब हम आपको इंस्टॉल का प्रोसेस बता देते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। चलिए हम डाउनलोड फोल्डर में चलते, पहले रन ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको NVIDIA में जाना है, जैसे कि N प्रेस करेंगे। देखिए मेरे पास यही वर्जन है जो मैंने आपको अभी डाउनलोड करना बताया है और उसी की फाइल मेरे पास रखी हुई है, ठीक है। एंटर करेंगे, अब रुकिए गाइस, हमने एंटर कर दिया ट्यून पजेगी इसमें। अब ये NVIDIA आपका ऑन होके मतलब ऑफ होएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी कुछ प्रोसेस हो रही है गाइस, ठीक है। तो जो कि वो प्रोसेस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ये, तो अभी ऑफ होगा आपका NVIDIA मतलब, ठीक है। देखिए वापस कर्सर आपको डाउनलोड फोल्डर में आ चुका है, अब आपका ऑफ हो गया है, ऑफ होने के बाद ऑन हो जाएगा, ठीक है।
गाइस ऑन हो गया है, ठीक है। अब आपको इंस्टॉल की परमिशन मांगेगा आपसे ये, तो आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा ये। यहाँ से क्रिएट पोर्टल कर सकते हैं, आप कॉपी बना सकते हैं रनिंग। अगर ऐसे इंस्टॉल नहीं करना तो कंटेनर पे क्लिक कर सकते हैं, तो हम ऑल प्लस आई करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू से आप टैप टैप प्रेस करके भी जा सकते हैं या फिर शॉर्टकट ऑल्ट सी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट सी कर दिया, अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है, ठीक है। देखिए गाइस, मेरे पास कोई बीप इसलिए नहीं बज रही है क्योंकि मैंने वो हटा रखा है, नहीं तो इंसल्ट यूज कर रखे सुना सकते हैं ऊपर से। अब प्लीज वेट, अभी ये बोल रहा है आपको, ठीक है। अब भी हमारा कनेक्शन मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये हो रहा है आपका इंस्टॉल, अब थोड़ा सा टाइम लगा कैसे इंस्टॉल होने में, ठीक है। देखते हैं कब तक मतलब इंस्टॉल होता है ये। सक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो अब स्पेस करेंगे, देखिए अब वीडियो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो चुका था मतलब ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया, ठीक है। अब आपको गाइस कि शॉर्टकट जैसे मान लीजिए आपको एनवीडी शॉर्टकट के माध्यम से ऑन करना है, जैसे इसके की है ऑल्ट प्लस ऑल्ट कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। आपका एनवीडी ऑन ऑफ करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल प्लस एन है और एक्सिट करने के लिए इंसल्ट क्यू है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने इंसल्ट क्यू किया तो एक्सिट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो ये एनवीडी ऑफ होके ऑन हो जाएगा। देखिए जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए अब टास्क बार हो गया, अभी ऑफ हो गया है, अब ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन भी हो गया है, तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सीख गए होंगे इंस्टॉल करना एनवीडीए को और डाउनलोड भी। और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आगे हम फिर मिलेंगे किसी ना किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, रितिका मैडम का भी एक यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसका नाम है टेक विद कंप्यूटर्स ट्यूटोरियल्स, और यह कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हैं और बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल्स अपलोड करती हैं। चैनल के बारे में जानने के लिए आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है टेक विथ कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स, तो आप उसे ज़रूर विज़िट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब, इसे भी करें ब्लाइंड टेक स्टार वर्ल्ड को भी और उसे भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को छोटी सी एक लाइक दे दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।